अभी तो कोई सुविधा नहीं आई है। और देखिए, और देखिए मवेशियों को भी यहाँ जो, और ये पूरा इलाका जो है बहुत तेज गति में पानी है। जो नज़ारे हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए पानी जो है कॉलोनियों में घुसने लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो गंगा इस पार डोमरी गांव है और पानी डोमरी गांव में घुस चुका है, और माँ गंगा का जो जलस्तर है वो दिनों दिन तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और स्थिति अब ये है कि जो पानी है माँ गंगा का अब उस शहरों में, गलियों में और बस्तियों में घुसने लगा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आपको दिखाएंगे इस पूरे इलाके का नज़ारा और चलेंगे कुछ आगे तक भी, तो बने रहिएगा वीडियो में। आइए चलते हैं। ये देखिए हम आपको दिखा दें कि ये जो है माता वैष्णो कॉलोनी डोमरी रामनगर वाराणसी लिखा हुआ है, आपको दिखेगा। और यहाँ पे देखिए जो नज़ारे हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए पानी जो है कॉलोनियों में घुसने लगा है। ये कब का पानी घुसा है? आज देखिए लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। और इधर भी आप देख सकते हैं कि अब रिहायशी इलाकों में पानी जो है घुसने लगा है। और यहाँ हम देखिए आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं। तो भैया पानी कब का बढ़ना शुरू हुआ है? कल से भैया। कल से? हाँ। कल से पानी वैसे कहाँ था कल से? वहाँ तक था। अच्छा, उस पेड़ के पास। हाँ। और ये कल रात से बढ़ा है ना? हाँ। तो काफ़ी दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। कहाँ घर है आपका? हमारा घर गौर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं, गाड़ी से लोग पार हो नहीं पाएंगे। अच्छा, देखिए लोग बता रहे हैं गाड़ी अगर आप लेके आ रहे हैं तो नहीं पार हो पाएंगे। और जो घर बने हैं यहाँ पे उनमें अब पानी घुस चुका है। और लोग अब यहाँ पे प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री जो है उसकी जो बाट जो रहे हैं, क्योंकि घरों से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये देखिए बच्चे हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बनारस के गंगा इस पार का जो डोमरी गांव है वहाँ पे जो घर बने हुए हैं वहाँ पे पानी घुस चुका है। और देखिए ये लोग आ रहे हैं। देखिए लोग कैसे कैसे अब यहाँ से लोगों का जो पलायन है वो भी अब सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं। और प्रशासन की भी तरफ से कहा गया है कि जो अपने अपने घर हैं वो खाली कर दीजिए और एक सेफ जगह चले जाइए। क्यों भैया? अच्छा, यहाँ पे हर साल मतलब यही बाढ़ आता है कि पहली बार ऐसा है? नहीं, हर साल आता है। हर साल आता है। तो हर साल प्रशासन यहाँ क्या करता है? प्रशासन वही है कि सुविधा मुहैया कराती है। अच्छा, तो अभी तक ऐसी कोई सुविधा आई है आप लोग के पास? देखिए लोग कह रहे हैं कि अभी तो कोई सुविधा नहीं आई है। और देखिए, और देखिए मवेशियों को भी यहाँ जो पशु हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए लोग जो हैं अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए बच्चे जो हैं अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बच्ची तू लोग? बाढ़ में। बाढ़ में नहा रहे हो कि नहीं? नहा रहे हैं सब लोग। देखिए जो जलकुंभी है अब यहाँ बह के आई है। यहाँ लोग जो आ रहे हैं काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ से जो है बहुत तेज प्रवाह शुरू हो चुका है। देखिए लोग जा रहे डोमरी गांव के। और ये पूरा जो है इलाका जो है डूबने लगा है। और पानी जो है कल रात से यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। और लोग देखिए अपने अपने सुरक्षित स्थानों की तरफ लोग जा रहे हैं। और ये रोड पकड़ के आप चले जाएंगे तो आगे गंगा जी हैं, और गंगा जी जब बढ़ी हैं तो सारा जो है पानी अब इस तरफ आना शुरू हो चुका है। देखिए अब लोग, भैया लोग आ रहे हैं। कब से पानी यहाँ बढ़ना शुरू हुआ है?
कल से तो काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं आप लोग को। घर कहाँ है आप लोग का? बगल में। बगल में तो बता भाई। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि इन लोग का जो घर है पानी में डूब गया है। बाढ़ में देखिए। बाढ़ में नहाने आए हो? ये जाएगा गजब बनारस पे। गजब बनारस उनका गैंग बनारस सबको गजब बनारस। हाँ उनका सब्सक्राइबर है। और देखिए कि हम आपको दिखा दें कि ये जो इलाका है पहले यहाँ पे खाली मैदान हुआ करता है, ये सब खेत है, लेकिन अब जो माँ गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो यहाँ पे अब सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। तो भैया यहाँ पे प्रशासन हर साल क्या कुछ करता है, लोगों को क्या राहत देता है? वही है, कुछ राशन वासन मिलता है थोड़ा, वो बढ़ने पर पानी पे जब बाहर। अच्छा तो यहाँ अभी फोर्स वोर्स भी आती है? हाँ फोर्स आती है, अभी आया नहीं है। अच्छा अभी आया नहीं है, तो रोक देती होगी कि नहीं आगे नहीं जाना है? आगे होगी नहीं जाना, अब नाव थोड़ा और बढ़ेगा तो नाव चलेगा। अच्छा नाव भी चलेगा यहाँ पे। इसका घर पानी में डूब के देखिए कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं, और काफ़ी इस समय हम भी खुद बाढ़ में चल रहे हैं, पानी में हैं, और आपको दिखाएं कि जो प्रवाह है वो बहुत, हालांकि लोगों का अंदाज है कि आगे सड़क है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और इस समय इनके लिए यहाँ पे मज़े का जो है ये ऑप्शन हो चुका है, और लोग नहा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये लोग आ रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है खाने के लिए जल्दी भेजे, हम लोग मेरा घर डूब गया है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या कुछ नज़ारे हैं यहाँ के, तो बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग का खेत डूब चुका है इधर सब। देखिए बच्चों का जो कहना है कि खेत और घर डूब चुका है, और आगे जो जाना है वो अब खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बहुत तेज वेग है, और ये पूरा इलाका जो है बहुत तेज गति में पानी है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया बनारस के डोमरी गांव में जो पानी की स्थिति है वो काफी तेज है, भयावह है, और लोगों के घरों में जो पानी घुस रहा है वो घुसने लगा है, और लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाए क्योंकि जो घर से निकलने के रास्ते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि लोगों की समस्याएं जो हैं ऊपर तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। हरा हर महादेव।